आज की वीडियो में मैं फीमेल इचिंग के हवाले से इम्पोर्टेंट वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जिसमें आपको होम रेमेडी भी बताऊंगी और मेडिकेटेड इलाज भी बताऊंगी। प्राइवेट एरिया पे इचिंग को यीस्ट इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन भी कहते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये फास्ट फूड्स खाने की वजह से भी ये मसला होता है, यानी जब हम बहुत ज्यादा गर्म चीजें खाते हैं तो इसकी वजह से भी यीस्ट इन्फेक्शन होता है या फंगल इन्फेक्शन होता है और हमें प्राइवेट एरिया पे खारिश महसूस होती है। असल में यहाँ पे छोटे छोटे से दाने निकल आते हैं, अगर आपने फील किया हो। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मिसकैरेज के बाद या एबॉर्शन के बाद या डिलीवरी के बाद अगले 1 से 2 महीने बाद ये इचिंग का मसला शुरू हो जाता है। और ये चीज़ मैंने भी देखी है, जो मैंने अमूमन देखा है अक्सर मैरिड औरतों में ये मसला होता है और स्पेशली बच्चा पैदा करने के बाद। कुछ लोग कहते हैं, जैसे मुझे भी डॉक्टर ने कहा था कि कुछ भी ऐसा नहीं है, डिलीवरी के बाद ऐसा नहीं है या बच्चा पैदा करने के बाद या मिसकैरेज के बाद ऐसा नहीं है, क्योंकि लेकिन मुझे ये फील हुआ था क्योंकि मुझे मिसकैरेज के बाद भी और डिलीवरी के बाद भी ये इचिंग हुई थी। लेकिन डॉक्टर्स का ये मानना है कि ये जब हस्बैंड वाइफ से मिलता है तो हस्बैंड के कुछ जरासीम होते हैं जिसकी वजह से फीमेल को इचिंग का मसला होता है। मैंने डॉक्टर से पूछा कि ऐसा क्यों होता है, मतलब पहले तो नहीं था तो अब क्यों, तो वो मुझसे पूछ रही थी कि आपके हस्बैंड के कहीं बाहर रिलेशन तो नहीं है, ये भी वजह हो सकती है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन खैर, मेरा मसला कैसे ठीक हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं आपके साथ मेडिकेटेड ट्रीटमेंट शेयर करूंगी। जैसे कि ये बॉटल आप देख रहे हैं, ये है विजी सेफ, ये एक शैम्पू फॉर्म में है। डॉक्टर ने मुझे ये रिकमेंड की थी कि आपने इस शैम्पू से अपने प्राइवेट एरिया को धोना है। इस शैम्पू पे सारा मेडिकेटेड इलाज लिखा है कि ये शैम्पू फॉर्म में है, किस तरह यूज करना है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, सब कुछ इस पे लिखा हुआ है। ये फीमेल इश्यूज के लिए है, सब कुछ लिखा हुआ है। सो आपने इसको यूज कैसे करना है, एक मग में थोड़ा सा पानी ले, जब आप पेशाब करें तो यूरिन खारिज करें तो उसके बाद आपने थोड़ा सा पानी लेना है। थोड़े से पानी में इतने से मकदार में आपने ये शैम्पू मिला लेनी है और इस तरह स्टरिंग करके यानी हिला के आपने जाग बना देनी है। जब अच्छी तरह से जाग बन जाए, अच्छी तरह से हिलाए, ज़्यादा नहीं डालनी, आप कोई नुकसान तो नहीं है, वैसे आपकी शैम्पू वेस्ट होगी। जब ये अच्छी तरह से जाग बन जाए तो आपने इस शैम्पू से अपने प्राइवेट एरिया को धोना है और ये आपने तब तब करना है जब भी आप पेशाब करें, चाहे छोटा पेशाब करें बड़ा पेशाब करें, उस टाइम आपने अपनी प्राइवेट एरिया को धो लेना है। इस तरीके से अच्छी सी जाग बनाए और ये जाग अपने हाथों पर डालते जाए और जो फ्रंट प्राइवेट एरिया है उनको अच्छी तरह इस जाग से धोए। जो फ्रंट एरिया है इसको अंदर से धोए। आपने नोट किया होगा यहाँ पे छोटे छोटे दाने निकल आते हैं इकनी फॉर्म में, तो इसको अच्छी तरह से धोए। इस पे ये स्टॉप नहीं होती, बल्कि इसके साथ एक मेडिकेटेड क्रीम भी होती है जो डॉक्टर रिकमेंड करती है, वो है गाइनोस्पोरिन क्रीम। गाइनोस्पोरिन क्रीम जो है ये भी इस शैम्पू के साथ ही है और ये एक अच्छी सी मकदार में लेके आपने अंदर तक, जहाँ जहाँ पे आपको इचिंग होती है, हारिश होती है, अंदर तक आपने अच्छी तरह से लगा लेनी है और ज़्यादा मकदार में लगा के छोड़ देनी है। स्पेशली रात के वक्त ये ज़्यादा बेस्ट है, फिर पूरी रात ये रहेगी, सुबह तक अक्सर लोग फिर ठीक हो जाते हैं। ये क्रीम मेरे पास थी, ख़त्म हो गई है, सो मैं ज़रूर लाइव दिखाती। इसके साथ एक छोटी सी ट्यूब होती है, उसकी मदद से भी लगा सकते हैं अंदर तक और ये उंगली की मदद से भी लगा सकते हैं बिल्कुल अंदर तक। अगला जो स्टेप है वो है होम रेमेडी फॉर इचिंग। इस रेमेडी का मुझे खुद भी पता नहीं था, लेकिन जब मैंने अपनी नेबर से पूछा कि आपका किस तरह ठीक हुआ तो उसने मुझे ये आइडिया दिया, क्योंकि मेरे पास ये क्रीम जो थी ख़त्म हो गई थी, मैंने फेंक दी थी जब मुझे इचिंग ठीक हो गई पिछली दफ़ा, तो मैंने फेंक दी थी। इस बार बेबी बर्थ के बाद अभी 3रे महीने मुझे फिर से इचिंग हुई, तो उसने मुझे ये आइडिया दिया कि बर्फ़ की क्यूब्स बनाएं और एक क्यूब अंदर इचिंग वाली जगह पे रखें जहाँ पे छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। आपने अगर गौर किया हो, जिन लोगों को खारिश निकल आती है तो अंदर आपके छोटे छोटे दाने निकल आते हो, इस तरह अंदर तक ये जो मैं शो कर रही हूँ ये प्राइवेट एरिया जो है, अंदर तक आपने इस तरह ये बर्फ़ का छोटा सा टुकड़ा रख देना है। वैसे तो आपको ये बहुत ठंडा लगेगा और अजीब सा लगेगा, लेकिन जैसे ही ये मेल्ट हो जाए आपकी इंस्टेंटली इचिंग ख़त्म हो जाएगी। आप ये तरीका बार बार यूज़ करके परमानेंटली ये इचिंग ख़त्म कर सकते हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।